माधो राव सिंधिया साल 1886 में जब ग्वालियर रियासत की गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। बाद में के सालों में उन्हें ऐसे कारनामे किए जिसके अंग्रेज भी मुरीद हो गए। माधो राव ने सिंधिया रियासत की सेना को आधुनिक बनाने पर बेतहाशा पैसा खर्च किया। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ग्वालियर की इंपीरियल आर्मी ब्रिटिश फौज की तरफ से फ्रांस, ईस्ट अफ्रीका, मिस्र, फिलिस्तीन जैसे देशों में लड़ी। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज में लिखते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिंधिया परिवार को उस जमाने में 25 मिलियन करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। माधो राव सिंधिया ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLD की डिग्री हासिल की। जब वह ग्वालियर लौटे तो उन्होंने अपनी रियासत में अलग से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया जो खास तौर से बड़े बड़े स्टोरेज टैंक और नहर जैसी चीजें बनाया करता था। किदवई लिखते हैं कि माधो राव थोड़ा अंधविश्वासी किस्म के व्यक्ति थे। एक बार एक एक कर 3 ऐसी घटनाएं हुई जिससे वह दहल गए। उनका पसंदीदा हाथी किले से तोप ले जाते हुए मर गया। इसके ठीक बाद उनकी पसंदीदा कोट माही मारताब पता नहीं कैसे खराब हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तीसरी घटना के बाद महाराजा बुरी तरह डर गए। किदवई लिखते हैं कि उन दिनों ग्वालियर के इमामबाड़े से मुहर्रम का ताजिया निकलता था जिसकी अगुवाई सिंधिया परिवार करता था। एक दफा मुहर्रम के दौरान जब ताजिया निकला तो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई। हालांकि थोड़ी देर में ही आग बुझा ली गई, लेकिन माधो राव को इससे तगड़ा सदमा लगा। उन्हें लगने लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। उस वक्त माधो महाराज की कोर्ट में रहे कौड़ीकर बाबूजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि महाराजा ने कहा कि सिर्फ ताजिया नहीं जला है बल्कि मैं जल गया हूँ। उस दिन जब वह ग्वालियर की सड़कों पर निकले तो उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। इन घटनाओं के बाद माधो सिंधिया बेतहाशा सिगरेट पीने लगे। उनके हाथ में हर वक्त सिगरेट दिखती थी। हालांकि उनके हकीम उन्हें बार बार सिगरेट से दूर रहने की सलाह दिया करते थे क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रशीद किदवई लिखते हैं कि माधो राव सिंधिया का जानवरों से खास लगाव था, खासकर अपने पालतू कुत्ते हुस्सू से बहुत प्यार करते थे। साल 1925 में जब महाराजा पेरिस में बीमार पड़े तो उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने कुत्ते की थी। उन्होंने सबसे सीनियर महारानी चिंकू राजे को बुलाया और कहा कि मेरी मौत के बाद हुस्सू की देखभाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माधो राव ने अपनी वसीयत लिखी तो इसमें हुस्सू की देखरेख के लिए खास तौर से एक रकम छोड़ी। महाराजा माधो राव सिंधिया की मौत के 5 साल 7 महीने और 18 दिन बाद तक उनका पालतू कुत्ता हुस्सू जिंदा रहा। वह महाराजा को भूल नहीं पाया। किदवई लिखते हैं कि वह ग्वालियर में माधो महाराज के बेडरूम में रोज जाता था। नवंबर 1930 में जब उसकी मौत हुई तो महारानी चिंकू राजे ने ग्वालियर में आलीशान तरीके से उसका अंतिम संस्कार करवाया और एक मेमोरियल भी बनवाया।